सुपर हिट टीवी सीरियल अनुपमा में अपनी शातिरगिरी का जादू सभी पर चलाने वाले अभिनेता अधिक मेहता ने अपने ऑन स्क्रीन पार्टनर पाखी से शादी करने के लिए खूब पापड़ बेले और गुपचुप उससे सात फेरे भी ले लिए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में यही अभिनेता अधिक मेहता एक अभिनेत्री को इतना चाहते कि उनकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं और जल्द से जल्द उनसे शादी करना चाहते हैं। तो आखिरकार कौन है वो खुशनसीब अभिनेत्री और क्यों यह उन्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, चलिए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अधिक मेहता अनुपमा सीरियल के वो मल्टी टैलेंटेड अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी हैंडसम पर्सनालिटी का जादू लाखों लड़कियों पर चलाया है, जिसके चलते आज हर लड़की इन्हें अपने सपनों का राजकुमार बना बैठी है और इनसे शादी करना चाहती है। पर हम आपको बता दें कि ये दोनों जिस अभिनेत्री पर फिदा है वो कोई और नहीं बल्कि छोटे पर्दे की क्यूट अभिनेत्री तानिया शर्मा है। जी हाँ दोस्तों, वो तानिया शर्मा जिन्होंने ससुराल सिमर का और साथ निभाना साथिया जैसे सीरियलों में काम किया है, जो इनसे पूरे 2 साल बड़ी है, पर फिर भी ये उन्हें अपनी क्रश मानते हैं और बहुत लाइक भी करते हैं, क्योंकि तानिया एक ऐसी लड़की है जिनसे इन्हें पहली नजर वाला प्यार हुआ है। हालांकि उनसे इनकी अभी तक कोई हाय हेलो तो नहीं हुई है, पर फिर भी ये उन्हें अपनी लाइफ का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसलिए इनके लिए एज वेज भी कोई मायने नहीं रखती है। इतने ही उनके प्यार में डूब चुके हैं और अब ये उनके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, जबकि इन्होंने अभी तक उन्हें प्रपोज भी नहीं किया है। लेकिन ये उन्हें ही अपने सपनों की रानी बनाना चाहते हैं, जिनकी खूबसूरती ने इन्हें अपना दीवाना बना दिया है, इसलिए अब ये उन्हें अपना बनाने के लिए उन्हें नोटिस तो करने ही लगे हैं, साथ ही फॉलो भी करने लगे हैं। लेकिन तानिया को तो इनका प्यार कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, पर हो सकता है कि जल्द से जल्द वो भी इनकी फीलिंग को समझे और फिर ये दोनों हमें शादी के अटूट बंधन में बनते हुए नजर आए। वेल दोस्तों, आप अभिनेता अधिक मेहता को जल्द से जल्द घोड़ी चढ़ते हुए देखने के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।